दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट तो हमेशा बना ही रहता है कि मैं जितनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्या वह सफिशेंट है, क्या उसके बेसिस पर सिलेक्शन हो सकता है, या मुझे फिर और भी ज्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता है। मैं आउट ऑफ 450 450 में से कितना टारगेट अपनी कैटेगरी के अनुसार सेट करूं, कितना टारगेट लेकर अगर मैं चलूं तो मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, हाँ, तो उसके लिए मुझे आखिरकार कितनी प्रिपरेशन की आवश्यकता है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपके जितने भी कट ऑफ एनालिसिस है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रीवियस ईयर की, उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ ही आने वाले समय में कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपको स्टार्टिंग से ही कितना टारगेट लेकर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, है ना। और यहाँ पर जो अपन टारगेट सेट करेंगे उसको आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है उससे कोरिलेटेड करते हुए करेंगे, ताकि आपको शुरू से ही क्लियरिटी रहे, शुरू से ही आपके सामने एक प्रॉपर डायरेक्शन रहे, ताकि आप शुरू से ही अच्छे से मेहनत करें और आपकी सफलता के चांस कई गुना यहाँ पर बढ़ जाए। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसको जरूर भेजना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं भाई, देखो अगर हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो आपको पता है कि आपका जो दोनों पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों मिलाकर 450 मार्क्स के होते हैं, 450 के होते हैं। उनमें से आपको पता है कि पेपर फर्स्ट है वो 150 मार्क्स का है, पेपर सेकंड यहाँ पर 300 मार्क्स का होता है, ना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% तो लाना ही होता है ना। एस सी एस टी के लिए अलग 5% का रिलैक्सेशन है, उनको 35% मार्क्स लाना है, लेकिन बाकी कैटेगरी जर्नल वगैरह के लिए वहां पर कितना है, 40% मिनिमम मार्क्स लाना है। तो चलो ये तो बेसिक सी बात हो गई। कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम जैसे जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी की। देखो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपके जनरल कैटेगरी की जो सीट चाहिए ना वो आई है यहाँ पर 10 सीट तो जनरल है ना, 4 सीट्स यहाँ पर वुमेन्स कैटेगरी के लिए है, वीडो के लिए 1 सीट आई है इस बार जो वैकेंसी आई है 2024 वाली आरपीसी की, और डाइवर्स कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं आई है। अब अपन प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे 2015 के अंदर जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है वो यहाँ पर 268.16 रही है, है ना, जबकि 2018 में देखो यही कट ऑफ बढ़ चुके हैं, यहाँ पर 268 से यहाँ पर 310.16 हो गई, और उसके बाद 2022 में कट ऑफ और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, यहाँ पर 326.12 हो गई है ना। और अब इसके बाद कितनी कट ऑफ जा सकती है तो देखो एग्जैक्ट तो कोई भी आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाटा को समझने की कोशिश करना। पहली बात तो कट ऑफ देखो कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है ना, 2015, 18, 22 में देखोगे कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ कंपटीशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो कट ऑफ आगे भी बढ़ने के चांस है, मतलब 326 प्लस तो ऊपर जाएगी जाएगी। 326 से ज्यादा जाने के एक चांस, एक रीजन ये भी यहाँ पर रहेगा अब कि आपको पता है कि 2022 के अंदर जो आपकी वैकेंसी आई थी वो 122 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है ना वो 36 है केमिस्ट्री की, जिसका सीधा सीधा मतलब एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो गई, कंपटीशन ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कट ऑफ यहाँ पर बढ़ने के ही पूरे चांस है, चाहे पेपर यहाँ पर कैसा भी आ जाए। भाई पेपर इजी आया तो बहुत ज़्यादा जंप करेगी, लेकिन अगर हार्ड भी आया तब भी इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी जाएगी। तो आपको अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 360 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है। ध्यान देना यहाँ पर मैं 360 मार्क्स जो बताया ना आपको वो मिनिमम है ना। आप स्टडी तो भाई आपको सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ना, एटलीस्ट पेपर सेकंड में जो केमिस्ट्री का है उसमें तो एक टॉपिक भी आपको नहीं छोड़ना है ना। आप अगर थोड़ा बहुत स्किप भी करो तो जीके वाले पार्ट में देख लेना, मैं तो कहूँगा वहाँ पर भी कंप्लीट कवर करना, लेकिन अगर स्किप करना भी चाहो तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कर सकते हो, सेकेंड पेपर में बिल्कुल मत करना। आपको मान के चलना टारगेट चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आप तो ये मान के चलना कि हमको 450 में से 450 मार्क्स लाने हैं, है ना ये, लेकिन ये जो टारगेट बता रहा हूँ कि मिनिमम आप इतना तो लेकर चलना ही है भैया, इससे कम तो लेकर आप बिल्कुल भी मत चलना, अदरवाइज आप कंपटीशन से ऐसे ही बाहर यहाँ पर हो जाओगे, है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना जो टोटल 10 सीट्स है
10 में से वुमेन्स के लिए यहाँ पर कितनी 4 रिजर्व है जनरल कैटेगरी में, डाइवर वीडो के लिए 1 सीट है ना। अब वीडो की यहाँ पर एक ही सीट है और यहाँ पर भी आप कट ऑफ में देख सकते हो कंटिन्यू जंप कर रहे। देखो एक सीनियर देखना यहाँ पर 44, 169 और 200 यहाँ पर 1 कट ऑफ कंटिन्यू जंप कर रही है। और अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सीट कितनी 1 ही है, तो ऐसे केस में आपको पता है भी कुछ ना कुछ कैंडिडेट तो इस कैटेगरी के आएंगे ही सही ना चेका से, तो ये कट ऑफ यहाँ पर काफी ज्यादा जंप कर सकते हैं 250 या हो सकता है इससे भी ज्यादा जंप कर जाए। तो आपको मिनिमम टू मिनिमम इतना टारगेट लेना है। फिर आपको बता रहा हूँ मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम आ या 450 का लो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। अब यहाँ पर एक चीज है कि डाइवर्स की इस बार कोई सीट अवेलेबल नहीं है, डाइवर्स की सीट नहीं है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कंटिन्यू आप देखो कट ऑफ इंक्रीज हो रही है 147, 296 या पर 309। लेकिन इस बार एक्चुअली क्या है कि आपके यहाँ पर सीट ही नहीं है, जब डाइवर्स कैटेगरी की सीट ही नहीं है तो इसका मतलब जो डाइवर्स कैटेगरी की वुमेन्स है उसको फॉर्म एक्चुअली जनरल से ही भरना पड़ेगा। किससे भरना पड़ेगा? जनरल से ही भरना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपकी कट ऑफ है ना वो अब इस रेंज में नहीं आएगी भी या 309 भी नहीं जाएगी, आपकी कट ऑफ सीधी सीधे है जनरल के अकॉर्डिंग काउंट होगी, आपकी कट ऑफ इस कैटेगरी के अंदर आने के चांस रहेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर डाइवर्स कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर इस रिजर्वेशन के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, आपको सीधा सीधा जनरल कैटेगरी के वुमेन्स के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को करना है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है तो ही सिलेक्शन के चांस होंगे। अदरवाइज आप स्टार्टिंग से ही कंपटीशन से बाहर रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा, आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे उसका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा है ना। अब बात करें यहाँ पर अपन नेक्स्ट कैटेगरी की, जैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 सीट है, वुमेन्स की यहाँ पर 2 है और वीडो की यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में वीडियो के लिए तो सीधी सीधे बात है इसी के अकॉर्डिंग चलोगे। और बाकी कैटेगरी की बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि 2015 में तो ऐसा कुछ केस सिनेरियो था नहीं ईडब्ल्यूएस का है ना, 2018 में 289 और फिर 306। तो एक बात तो क्लियर है, देखो कट ऑफ इंक्रीज हो रही, डिक्रीज नहीं हो रही, कट ऑफ कॉन्स्टेंट भी नहीं रही, टाइम के साथ बढ़ रही है, तो बढ़ने के ही चांस है ना। मिनिमम टू मिनिमम 330 के आप अप्रोक्सीमेट लेकर चलना। और वीडियो की अगर मैं बात करता हूँ, वीडियो के अलग से कोई सीट यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे केस में आपको भी इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को करना है, आपको मिनिमम टू मिनिमम 330 मार्क्स का टारगेट यहाँ पर लेकर चलना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर भाई अपन ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में भी आप सीधा सीधा इस सीनियरों को देखो कंटिन्यू कट ऑफ इंक्रीज हो रही, मिनिमम टू मिनिमम आपको 336 का टारगेट लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर डाइवर्स की देखो यहाँ पर भी सीट नहीं है, तो डाइवर्स वाले को तो किसके इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को करना है, यहाँ पर सीधी सीधी बात है। और वीडियो की बात करें तो वीडियो के लिए भी यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम आपको 300 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है, इससे ज़्यादा ध्यान देना फिर बता रहा हूँ मिनिमम है, मैक्सिमम आप 450 का लो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना टारगेट तो लेना है। आप ऐसे टॉपिक को मत स्किप कर देना भूल के भी है ना, जिनका वेटेज अच्छा खासा है, पता चले आप एक अच्छे खासे वेटेज वाले टॉपिक को स्किप कर दे रहे यार इसको तो क्या पढ़ो मेरे समझ में नहीं आ रहा, अरे तो फिर आप बाकी को भी मत पढ़ना, क्योंकि आपने अगर ऐसे टॉपिक छोड़ दिए जिनका हाई वेटेज है, जिनसे नंबर ऑफ मार्क्स, जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट को लगता है यार मैं तो थर्मोडाइनमिक्स नहीं पढ़ू है, अब भैया थर्मोडाइनमिक्स से लगभग लगभग 24 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने वही छोड़ दिया तो आप कंपटीशन से ऐसे बाहर हो जाओगे है ना। आपने दो चैप्टर छोड़ दिया थर्मो और एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप 40 मार्क्स ऐसे ही आपके चले गए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको किन बातों का ध्यान रखना है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखे, नेक्स्ट देखे यहाँ पर जैसे एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए भी आप जब इसको देखोगे यहाँ पर डाइवर्स की 1 सीट है ना, टोटल यहाँ पर देख सकते हैं डाइवर्स वाले स्टूडेंट को भी मिनिमम टू मिनिमम 210 का लेकर चलना है। देखो यहाँ पर डाइवर्स की 2015 में 26.24 ही गई थी, लेकिन ध्यान देना डाइवर्स की भाई 1 ही सीट है ना, तो जब सीट की संख्या 1 या 2 रहती है ना तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, काफी तेजी से जंप कर सकते हैं। रीजन क्या है कि वो 2 ही सीट है या 1 ही सीट है, तो डिपेंड करता है वो जो कैंडिडेट है उस सीट पर वो कैसा है। अगर दमदार कैटेगरी
कैंडिडेट आ गया तो कट ऑफ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, नॉर्मल से आ गया तो कट ऑफ गिर भी सकते हैं ना, तो वो डिपेंड करता है कैसे। और आज के जमाने में देखो हर कैटेगरी के लिए अच्छे खासे कैंडिडेट अवेलेबल रहते ही है, प्रिपरेशन लगभग सब करते ही है, तो ऐसे केस में कट ऑफ बढ़ने के चांस ही रहेंगे, घटने के चांस, कम होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जनरल के लिए ये टारगेट मिनिमम 300 रहेगा। और बात करें अपन वीडियो की, यहाँ पर कोई सीट नहीं, इसका मतलब आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन करने, ध्यान देना एससी में वीडियो की सीट नहीं है, डाइवर्स की एक सीट है, आपको 210 का मिनिमम टू मिनिमम टारगेट रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखें भाई, नेक्स्ट एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में देखो डाइवर्स की कोई सीट नहीं है तो आपका टारगेट तो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और बाकी अगर बात करें वीडियो की तो यहाँ पर एक सीट है, मिनिमम टू मिनिमम आपको इतना टारगेट लेकर चलना है। और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 250 से कम टारगेट लेकर मत चलना, अदरवाइज सिलेक्शन से आप कोसों दूर हो जाओगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप ये तो बिल्कुल मत सोना कि 172 चली जाएगी, है ना, यहाँ पर 206-228 के आसपास, है ना, कट ऑफ बढ़ने के काफी ज्यादा चांस है क्योंकि नंबर ऑफ सीट काफी डिक्रीज हो गई है, ठीक है, और कंपटीशन टाइम के साथ ऑलरेडी बढ़ रहा है। अब बात करें यहाँ पर एसबीसी एमबीसी कैटेगरी, तो यहाँ पर देख सकते हो ना तो वुमेन्स की कोई सीट है ना ही विडो की कोई सीट है, ओवरऑल ही एक सीट है जनरल कैटेगरी से। तो आप चाहे यहाँ पर चाहे आप एसबीसी एमबीसी में वुमेन्स हो या फिर विडो कैटेगरी में आते हो, आपको फॉर्म जनरल से ही भरना पड़ेगा, और जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा तो आपकी कट ऑफ अच्छी खासी यहाँ पर जा सकती है। हालांकि जो ओरिजिनल जनरल है उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, है ना, ज्यादा ही नंबर आ गया तो फिर आपका शिफ्ट हो जाओगे, आप जनरल में ही शिफ्ट हो जाओगे, तो सीधी सीधी बात है आपका जो टारगेट रहेगा वो 300 मार्क्स के आसपास यहाँ पर रहेगा, मिनिमम टू मिनिमम इतना टारगेट लेकर आपको प्रिपरेशन करनी है। अब बात करें यहाँ पर पीएच कैटेगरी की, तो पीएच कैटेगरी या फिर सर्विस मैन की बात करें अपन यहाँ पर, तो इनके लिए 5 सीट है और सर्विस मैन के यहाँ पर 6 सीट है। आपको भी मिनिमम टू मिनिमम अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इतना टारगेट लेना है। अगर आप पीएच कैटेगरी का है तब भी आपको 280 मार्क्स का मिनिमम टारगेट लेकर चलना है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, और सर्विस मैन का बात है तो आप 200 के आसपास टारगेट लेकर यहाँ पर चलना है ना। तो कुल मिलाकर अब आपको यहाँ पर अंदाजा लग गया होगा कि आपको क्या करना है। और दोस्तों ये एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल यहाँ पर फ्री ऑनलाइन कोर्स है, आप इस फ्री ऑनलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी इसी वक्त आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको लगभग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको ऑलमोस्ट सारे सिलेबस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इक्के दुक्के चैप्टर का अगर आपको कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है तो ऐसे केस में उसको आप बुक्स वगैरह से कवर कर सकते हैं। बाकी चाहे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो या पीजी लेवल हो, हर लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 0 रुपये पे करना है, मतलब कुल मिलाकर टोटली एब्सोल्युटली फ्री। आप एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन में इस कोर्स को ओपन करोगे, गेट फॉर फ्री पर क्लिक करोगे, कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, फर्स्ट दिन से आप अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट कर देना। बस यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर आपको हर चैप्टर का, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर का कंटेंट मिलेगा। बस इसके अंदर क्या है कि आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स वगैरह, मतलब क्वेश्चन बैंक वगैरह ये अवेलेबल नहीं होगा, टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल नहीं होगी, तो ऐसे केस में उसकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी पड़ेगी। बाकी कंटेंट आपको ऑलमोस्ट सारा मिल जाएगा, इसके बेसिस पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। तो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि यार सर हम फ्री कोर्स से भी सिलेक्शन ले सकते हो, तो जी हाँ 100% आप फ्री कोर्स से सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रैक्टिस वगैरह आपको अलग से करना है ना, कुछ इफर्ट्स, थोड़ा सा इफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाना है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। हाँ, छोटे से अमाउंट पे कर सकते हो तो फिर पेड कोर्स पर जा सकते हो, है ना। पेड कोर्स भी आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर मिलेगा, आपके एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी 2624 रुपये का, है ना। पेड कोर्स के अंदर तो फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो नोट्स वगैरह, है ना, वीडियो लेक्चर वगैरह। बाकी फ्री कोर्स, पेड कोर्स ज्वाइन करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्री कोर्स आपको जरूर ज्वाइन करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़े। थैंक यू।